माई सेल्फ वरुण कुमार दिस वीडियो फॉर एलेवेंथ क्लास चैप्टर नेम केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर टॉपिक इलेक्ट्रोबेलेंट बॉन्ड और आइनिक बॉन्ड द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू और मोर एटम्स एज अ रिजल्ट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ बन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इलेक्ट्रो पॉजिटिव टू इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रो बैलेंट बॉन्ड दिस बॉन्ड इज़ ऑल्सो कॉल्ड आयनिक और पोलर बॉन्ड इस बॉन्ड में एक एटम इलेक्ट एक एटम इलेक्ट्रॉन को देता है और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन को लेता है इस आदान प्रदान से जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड इलेक्ट्रो बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड कहलाएगा क्लियर समझ में आ गया कंडीशन अब इस बॉन्ड की बनने की कंडीशन क्या है कि वन एटम होना चाहिए मेटल्स और सेकेंड एटम होना चाहिए नॉन मेटल्स यानी ये बॉन्ड मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में फॉर्म्ड होगा सेकेंड इनकी जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो 1.7 या 1.7 से ज़्यादा होना चाहिए तभी यह बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा अगर 1.7 से कम है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस तो यह बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा क्लियर इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है